अनुप्रिया पटेल के पति को नीतीश कुमार प्रियंका गांधी की चुनौती स्वीकार, इस सीट पर मुकाबले के लिए तैयार। आशीष पटेल ने प्रियंका नीतीश पर लगाया निशाना, मोदी शाह पर दबाव बनाने में क्या हो गए कामयाब। अपना दल ने बीजेपी को दे दिया संकेत, इस सीट पर पेश कर दी अपनी दावेदारी। राजनीति की सतह पर कभी कभी जो रणनीति ऊपरी तौर पर दिखती है, जरूरी नहीं कि अंदर से भी वही हो, उस रणनीति का मकसद वही हो। अपना दल ने अपनी रणनीति के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा, लेकिन ऐसा लग रहा है धीरे धीरे वो अपने 2024 को लेकर एक एक सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अनुप्रिया पटेल मोदी शाह की बीजेपी को ये बताने की शुरुआत कर चुकी हैं कौन कौन सी सीट अपना दल बीजेपी से चाहती है। जितनी सीटें अनुप्रिया पटेल के दिल में हैं, उनमें से पहले नाम का जिक्र अनुप्रिया और आशीष पटेल ने नीतीश और प्रियंका पर निशाना साधकर कर दिया। माना जा रहा है इस सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में उतारना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है अनुप्रिया पटेल कह रही है ये सीट तो अपना दल को ही एनडीए की सहयोगी होने के नाते मिलनी चाहिए। यह हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए, पूरी बात समझ जाएंगे। जिस सीट के लिए अनुप्रिया पटेल ने इशारों में नीतीश प्रियंका को चुनौती देते हुए मोदी शाह से मांग की है, वो है फूलपुर की सीट। 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट वैसे भी इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। पटेल बाहुल्य मतदाताओं वाली इस सीट पर पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा हुई, बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर जारी कर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को इस सीट से चुनाव लड़ाने की मांग कर डाली। अब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और अपना दल एसके कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के फूलपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर दावा किया। लोकतंत्र में किसी को कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। जहां तक प्रयागराज के फूलपुर संसदीय सीट की बात है, ये अपना दल का गढ़ रहा है। इस सीट पर अपना दल एसके संस्थापक डॉक्टर सोनीलाल पटेल चुनाव लड़ते रहे। अपना दल ने इस लोकसभा सीट की विधानसभा सीट पर भी चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि कोई कहीं से भी चुनाव लड़ने आ जाए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सीट पर अपना दल एस की मजबूत पकड़ है। अपना दल एस का जो वोट बैंक है, वो पहले भी उसे मिलता रहा और आगे भी उन वोटों का डाइवर्जन होगा। इसका सीधे तौर पर लाभ अगर अपना दल एस इस सीट से चुनाव लड़ती है तो उससे मिलेगा, लेकिन अगर फूलपुर लोकसभा सीट से सहयोगी दल चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें जिताने का काम अपना दल एस के कार्यकर्ता करेंगे। फूलपुर लोकसभा सीट पर अपना दल एस के दावे के सवाल पर कहा गया कि प्रदेश की सभी 80 सीटों पर क्लेम कर रहे हैं, लेकिन क्लेम का मतलब नंबर ऑफ सीट पर नहीं बल्कि पार्टी कहां पर चुनाव मजबूती से लड़ सकती है और जीत दर्ज कर सकती है, इस आधार पर पार्टी कोई दावा करेगी। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि हमारे लिए जीत महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीतना महत्वपूर्ण है। तो साफ है, प्यार भरे लहजे से आशीष पटेल ने मोदी शाह से फूलपुर सीट की मांग कर दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।